नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं रोहू की मछली, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मछली बनाना शुरू करते हैं। ये है आधा किलो रोहू की मछली है। ये तो मछली वाले ही काट कर दे देते हैं। हमने इसको अच्छे से पानी से धो लिया है और ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम मछली में थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी मिला लेते हैं। इससे क्या होता है कि नमक जो है मछली के अंदर तक घुस जाता है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको मिलाने के बाद मछली को हम इस सूखे आटे में सारी मछली को एक एक करके लपेटेंगे। इस ट्रिक से मछली बनाने में क्या होता है कि कुछ लोग बेसन से भी बनाते हैं जो उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता है, लेकिन आटे में इस तरीके से लपेट के बनाएंगे तो आटा भी ज़्यादा चिपकता नहीं है और स्वाद में भी कोई कमी नहीं आती है। जब हम इसको तलते हैं तो इसमें से तेल भी नहीं छटकता है और कढ़ाई में भी नहीं चिपकता है। तो हम पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि इस तरह से मछली तलने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है। जब तेल में से धुआं उठने लगे तब मछली को डालें एक एक करके इस तरीके से, और इसको चलाते हुए अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। तो अब ये मछली जो है तल चुकी है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है जैसे बहुत ज़्यादा कड़क, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको तल लेते हैं तो भी उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो भी बाकी की बची हुई मछलियां हैं उनको हम इसी तरीके से तल लेते हैं। मछली तलने के बाद कढ़ाई में तेल बच गया है तो इसमें हम थोड़ा सा तेल और डाल लेते हैं। तो हम इसमें तेज पत्ता का तड़का लगा दिए हैं और इसका थोड़ा सा और स्वाद अच्छा लाना है तो इसमें हम थोड़ा सा मेथी का तड़का भी लगा सकते हैं। और इसमें जो खड़ी दालचीनी होती है और लौंग और काली मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। तो हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची को डालकर भून लेते हैं। ये प्याज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, प्याज की मात्रा थोड़ा कम रखें, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग मछली में प्याज डालना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि प्याज की वजह से मछली मीठी लगती है, उसका करी जो है मीठा लगता है। तो हम इसको अच्छे से भून लेते हैं इसका कलर चेंज होने तक और प्याज को नरम होने तक। इसके बाद हम इसमें ढेर सारा लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं और चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने अदरक का पेस्ट नहीं डाला है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं और फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें मसाला डाल लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है जीरा पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है गरम मसाला। और इसमें हम थोड़ी सी या 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और इसमें अब हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तो कलर के लिए होता है, वैसे मुझे इसे खाना पसंद नहीं लगता। और तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च डाल रखी है और अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने मछली में नमक डाल रखा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं पानी सूखने तक, और जब तक कढ़ाई के तले तेल न छोड़ने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। अब ये जो है हमारे मसाले भून चुके हैं, कढ़ाई के तले भी तेल छोड़ रहे हैं,
तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। तो हम पहले इसमें एक गिलास या थोड़ा ही पानी डालते हैं, और अब हम जब इसमें मछली को डाल लेंगे फिर देखेंगे, अगर हमको पानी की और आवश्यकता लगेगी तो हम डाल लेंगे। आप उतना पानी डालिए कि आपको जितना करी रखना है, और उसमें आधा गिलास तो ये मान के चलिए कि उसको जल ही जाना है, तो इसलिए पानी उतना ही रखिए जितना करी रखना है, और आधा गिलास ज़्यादा डाल दीजिए, यानी 1 कप या 1.5 कप पानी ज़्यादा डालिए। अब हमने डाल लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हमने और डाल लिया है, और अब हम इसको ढककर अच्छे से पका लेते हैं, कम से कम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो अभी 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए मछली बहुत अच्छे से पक चुकी है, पक कर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी करी बनी है इसकी। अब हमने गैस को बंद कर दिया है, और अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं, और आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि इनकी पीसे जो हैं कितनी अच्छी बनी हैं, और देखने में भी कितनी सुंदर हैं, ना गली हैं ना टूटी हैं, और खाने में भी स्वाद में कोई कमी नहीं आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो ये लीजिए आपकी फिश करी बनकर तैयार है, या रसेदार मछली बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरह से मछली को बनाकर अवश्य खाएं, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।